Hello, India. Yes. Welcome to Almaty, Sombolak. And abhi hum log hai na third. Yes, YouTube. Mister. From India, YouTube. India, sale. अब सर्दी लग रही है, हाथ एकदम सुन हो चुके हैं. तो भाई जैकेट वगैरह ले आना अच्छी सी. तो 1,250 रुपये में आप इजीली ये जो है इसके रिजॉर्ट या फिर इसको बोलते हैं सिम्बोलिक. सो वेल हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग. स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे व्लॉग में और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे. जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, हम लोग अल्माटी कवर कर रहे हैं. स्टिल हम अल्माटी में ही हैं. एंड आज जो हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है वो होने वाली है सिम्बोलिक, मतलब इसके रिजॉर्ट. तो अभी हमारा जस्ट ब्रेकफास्ट हुआ है एंड हम लोग फ्रेश हो चुके हैं. तो अभी हम लोग ने टैक्सी बुक किया एंड अब हम लोग जाएंगे सिम्बोलिक, मतलब इसके रिजॉर्ट. तो बने रहिए इस व्लॉग में और मैं आपको आज दिखाऊंगा एकदम सिम्बोलिक की ज़बरदस्त नज़ारे. तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए. तो दोस्तों मैं स्टिल अभी रुका हूँ स्टार हॉस्टल में और आज ये भाई भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं. तो अभी अपने 2-3 ही हो गए और 2-5. तो हम लोग टोटली जाने वाले हैं 6 लोग और अभी हम टैक्सी बुक कर रहे हैं. एंड आज का जो मेरा आउटफिट है कुछ ऐसा है भाई, तो कमेंट में बताओ कैसा लग रहा है. एंड बहुत मज़ा आने वाला है. और जो पीछे का भाई, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है इस एरिया का, मतलब एकदम क्लासी. तो गाइज अपना इधर हॉस्टल है और हम अब आ चुके हैं अपना टैक्सी लेने के लिए और वेट कर रहे हैं टैक्सी का. और आज भाई मज़ा आ रहा है, मतलब थोड़ा एक्टिव लग रहा है. रात है ना, 3-4 घंटे सोने मिला, बट स्टिल आज वेदर भी अच्छा है, थोड़ा क्लाउडी है. अभी हम निकलने वाले हैं जल्दी ही और आपको दिखाएंगे इसकी रिजॉर्ट. मतलब बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा व्लॉग होने वाला है. तो गाइस अभी 5 मिनट हो गए ऑलरेडी कैब का वेट करते करते, अभी तक कोई कैब वगैरह तो नहीं आई. बट यहाँ के जो रोड के रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा. कोई हॉर्न नहीं लगाया, आप बहुत देर तक भी देखेंगे ना भाई, कोई हॉर्न लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. सबको पता है आपका रूल, मतलब किस तरह से फॉलो करना है. बहुत ईजी है, पता है, अगर गाड़ी रुकती है ना तो देखो कितना गैप है, ये मिड वाला, इतने गैप पर रुकती है. ये आपका हो गया जेब्रा क्रॉसिंग एंड ये टाइमिंग का सारा खेल है यहाँ. अभी बस कार लेते हैं, अंदर बैठते हैं और दिखाते हैं आपको. सर आ चुके हैं अभी कैब के और फाइनली भैया ये है और बाहर का कुछ सीन ऐसा है. तो गाइज यहाँ पे जो है ना, मोस्टली जितने भी मतलब मिथुन चक्रवर्ती को मतलब ज्यादा फैन फॉलोइंग इधर. इंग्लिश? नो इंग्लिश. लैंग्वेज? Okay. Okay. जब कुछ समझ ना आए तो मुंडी हिला दो, बोलो हाँ 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 बिल्कुल, और वो ऐसे कर दो थम्स अप, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. तो गाइज अभी हाफ वे पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट और भाई मतलब आज पहाड़ों में ही जाने वाले हैं, जो माउंटेन्स वगैरह है ना, तो स्नो भी आपको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मिलेगा. एंड सनी डे है थोड़ा, तो और भी अच्छा मज़ा आएगा. तो मज़े करेंगे आज फुल. 25,000? तो गाइस हमने इनसे पूछा अगर मतलब बाय चांस ट्रैफिक रूल को ब्रेक करते हैं तो मतलब कितना फाइन ये लोग लगाते हैं. तो ये बता रहे हैं कि 15,000 टेंगे अगर ये ट्रैफिक रूल को ब्रेक करते हैं एंड वो तकरीबन आपका बनता है 2700-2800. तो गाइस अभी फाइनली बर्फ़ देखने के लिए मिलने लगी है और आप भी देख सकते हैं ये फ्रेश स्नो हुआ है रिसेंटली, हाल फिलहाल ही, मतलब 1-2 दिन हुआ है और कल बारिश पड़ने के चांसेस है. तो देखते हैं, मतलब हो सकता है स्नो फिर से हो जाए, तो हम ट्राई करेंगे कि लाइव स्नोफॉल आपको दिखाएं. बट अभी तो ये बता रहे हैं कि 1-2 दिन पहले का ही है. तो बढ़िया है भाई, अभी जहां हम जा रहे हैं वहां तो बिल्कुल स्नो से कवर्ड ही आपको देखने के लिए मिलेगा. तो दोस्तों यहीं से है ना जिप लाइन भी जाती है, लाइक मतलब अगर आप कैब वहाँ से बस से आ रहे हैं ना तो रास्ते में ये जिप लाइन का एक ट्रैक है, तो आप यहाँ तक आकर बस से फिर जिप लाइन भी कर सकते हैं. वो सीधा आपको वहीं, मतलब जो इसके रिजॉर्ट है वहाँ लेके जाएगी एंड जो व्यू देखने के लिए मिलेंगे वो अनबिलीवेबल होने वाले हैं. बट गाइस अभी फाइनली आ चुके हैं हम यहाँ से, मतलब केबल कार लेंगे और टैक्सी से, मतलब हम लोग को वहाँ से मना कर दिया था, वापस आ गए. एंड भाई क्या व्यू है, कार से आई थिंक ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए. तो अभी हाँ जी भाई जी, ये अपने दिल्ली से हैं और अपने रूममेट भी हैं, तो कुछ कहना चाहोगे सर? दो वर्ड. तुम्हारे साथ हमें बहुत अच्छा लगा. अरे थैंक यू. और ये यूके में रहते हैं एक्चुअली, तो इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये तो हैं ही अपने एकदम मास्टरमाइंड. तो गाइज अभी लेते हैं टिकट सबसे पहले और टिकट लेके चलते हैं ऊपर और देखते हैं. मैं बता दूँ आपको कितने रुपये मतलब पड़ता है पर पर्सन टिकट का. आई थिंक
एज के अकॉर्डिंग ये टिकट दे रहे हैं, मतलब अगर आपका एज 21 है 22 है तो उसका अलग है, जो अंडर 20 है उसका अलग है, एंड जो 24 के अबव है उसका सेम रेट, मतलब उसके अबव जितना भी जाएगा वो सेम ही रहने वाला है। तो देखते हैं अपनी टीम ले रहे हैं फाइनली टिकट। तो गाइस जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, मतलब इधर कोई डिस्काउंट है डिस्काउंट का लाइक, मतलब आप अगर पासपोर्ट भी खाते हो, लेकिन उसका क्या, आपका एज अंडर 23 होना चाहिए। तो गाइस 5000 टेंगे में आपका रिटर्न है, मतलब आना जाना दोनों ही इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और आप कभी भी इधर आ रहे हैं तो थ्री फेज़ वाला लाइक, मतलब तीन फेज़ का होता है ये भी, तो थ्री फेज़ वाला टिकट लेना बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप टॉप पर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको व्यू अच्छा मिलेगा, एंड वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं, मतलब कि क्या, क्योंकि टॉप पर है ना, जब ज़्यादा लोग जाएंगे नहीं तो साफ़ सुथरा ज़्यादा मिलेगा। तो हम चलते हैं ऊपर, अभी टॉप पर टिकट ले लिया है ये भैया, टिकट मिल रहा है हमको, ऐसा कुछ है सब कुछ भाई, कजाक है, रशियन में लिखा हुआ होगा, इंग्लिश का तो कुछ शायद लिखी हुई है भाई इंग्लिश वैसे। बाय द वे इस बार तो वेलकम टू सिम्बुलेक माउंटेन रिजॉर्ट। तो अभी चल रहे हैं अंदर, अपनी गैंग पूरी तैयार है, मतलब मज़ा आ रहा है सही में यार। मतलब देखो अकेले आ रहे हो, लेकिन जब यहाँ हो गए ना, मतलब कोई ना कोई जाहिर सी बात है मिल जाता है, आप जैसे और भी हैं तो इट्स बेटर टू, मतलब आप आओ तो ज़रा। और बहुत चीप है, मतलब कजाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। चलते हैं इसमें, क्लास इतना अच्छा है नहीं, मेरे को रिकॉर्ड करना है, तो लेट्स गो इनसाइड। ओ भाई साहब हिल तो पहले ही जाता है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम लोग ऊपर एंड रेडी हैं। देखो ऐसा कुछ व्यू है, मैं आपसे बता रहा था ना कि ऊपर से कुछ अलग ही व्यू देखने के लिए मिलेगा, तो मजा तो आ रहा है भाई। अभी जा रहे हैं ऊपर, थ्री फेज ऊपर जाएंगे अपन लोग, एंड ऐसे ही धीरे 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 स्नो ज्यादा होता चला जाएगा, व्यू थोड़े अच्छे होते चले जाएंगे। तो गाइस ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा खूबसूरत ये नजारा है, स्नो से कवर्ड एकदम माउंटेन, इतना ज्यादा नहीं है स्टिल, बट हाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और अपनी पूरे छह के छह देख रहे हो कैमरे, भैया तो अभी आराम से बैठे हैं। ऊपर जाने के लिए ऑलमोस्ट 20 मिनट शायद से और लगेंगे, क्योंकि काफी ऊपर जाना है, इतना भी ऊपर नहीं जाना भाई, थोड़ा नीचे रखना अपने को। तो दोस्तों अभी ना फाइनली फर्स्ट फेज पे आ चुके हैं हम लोग, एंड फाइनली अभी जो धूप की रिफ्लेक्शन है ना वो थोड़ी कम हुई है, तो चीजें और अच्छे से दिखने लगी है। और इधर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना भाई, गाइज अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फेज पर, और जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और बहुत ही ज़्यादा देख सकते हैं आप कितना प्यारा है इसकी रिजॉर्ट करके, सिम्बुलेक बोलते हैं ऐसा कुछ, बट अच्छा लग रहा है एंड बहुत ही पीसफुल है, और जो मतलब साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है ये भी बहुत अच्छी बात लगी। देखिए अभी फर्स्ट फेज़ है तो इतना खूबसूरत है, एंड हम जाएंगे थर्ड फेज़ पर तो बहुत ही ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। एंड अभी जो टेम्परेचर है यहाँ का वो है 1 डिग्री समझ रहे हो, अभी थोड़ा धूप भले ही निकल रही हो बट स्टिल अभी 1 डिग्री है, तो चीज़ें मज़ा आ रहा है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले तो आप कजाकिस्तान का ट्रिप प्लान कर लें, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा चीप है फॉर इंडियंस, बहुत ज़्यादा। आप है ना अगर तीन लोग आ रहे हैं तो सच में बोल रहा हूँ, मतलब आपका अंडर 15-20K में हो जाएगा अगर आपको टिकट चीप मिलती है कहाँ की फ़्लाइट की। एंड दूसरा क्या है कि इंडियंस के लिए इतना ज़्यादा नहीं है भाई, आप है ना एक फॉरेन कंट्री में घूम रहे हो, एंड इतनी अच्छी अच्छी व्यूज़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो वर्थ इट है यार, आप फॉरेन में घूम रहे हो अंडर बजट, और क्या चाहिए यार, मतलब सब कुछ ठीक है, लोग मिल रहे हैं अच्छे, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो क्या वेट क्या करना, आ जाओ भाई। तो हम पहले हैं फिलहाल जो मतलब अभी राइड के लिए जा रहे हैं, अभी तक कोई आया नहीं है हमारे पीछे, और बैठ जाओ भाई ऐसे करके। तो गाइस आप देख सकते हैं कितना प्यारा, मतलब अभी सनराइज हो रहा है, सनराइज है मतलब इधर से देखो कहाँ से निकल रहा है, एंड अभी हम जा रहे हैं ऊपर, ये इधर फर्स्ट फेज वालों के लिए है, जो गरीब लोग हैं हम बात नहीं करते उनसे, हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं। एंड अभी ये हमारा टॉप फेज पे जा रहे हैं, तो मज़ा तो आने वाला है बहुत ज़्यादा, बट हाँ सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा हवा लग रही है, बात एकदम सुन हो चुके हैं, तो भाई जैकेट वगैरह ले आना अच्छी सी, मेरे को हो गया आज तबीयत खराब भी हो सकती है, तो प्लीज लाइक कर दे। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम 6000 फीट ऊपर, और जो टेम्परेचर है वो -3 है यहाँ का, स्टिल भले ही धूप निकली हुई देख रहे होंगे आप,
बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी, क्लब्स है नहीं, क्लब्स भाई में है तो अपनी हालत हो चुकी है भाई सब खराब। तो अगर आप आ रहे हैं तो जैकेट तगड़ी वाली लेके आओ भाई। नहीं शरीर में तो नहीं लग रहा था ठंडा। अगर सर्दियों में आ रहे हो तो मतलब अगले जनवरी तक तो या फरवरी तक सेम हाल होने वाला है। लेकिन भाई मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई। तो भाई अभी सेकंड फेज भी हो गया है और ये अभी हम जाएंगे ऊपर थर्ड फेज पर बाई वॉक यहाँ से, और ऐसा कुछ वहां तक जाना है हमें। एक बात बताओ, 8,000 फीट ऊपर आ रहे हो 1,000 में, ऑलमोस्ट ज्यादा भी हो सकता है, 1,000 रुपए में आपको इतना अच्छा मिल रहा है एंड आपका 250 में टैक्सी, तो 1,250 रुपए में आप इजीली ये जो है इसके रिजॉर्ट या फिर इसको बोलते हैं सिम्बो लेक वहाँ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि इतने में आपको कुछ ज़्यादा ही चार्ज कर रहे हैं, तो आपको आना बिल्कुल मस्ट है। आप अगर कजाकिस्तान आ रहे हैं, अलमाटी हैं, तो यहाँ पर विजिट जरूर करें। सो गाइज ये लोग हमको मिले हैं यहाँ पर एंड अभी हम लोग है ना थर्ड फेज के लिए जा रहे हैं हम सभी, तो अभी चलते हैं इनको भी लेके और ये अपने भाई। सो व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? यस लाइक आर नो 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 आर यू स्टूडेंट और डूइंग जॉब्स हियर? भाई ये ना यहाँ पे सीन ऐसा है कि मतलब बहुत कम लोगों को इंग्लिश आती है, बट स्टिल सीन ऑल्स लिटिल बिट इंग्लिश लिटिल बिट यू नो। भाई चलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। तो अगर आप शूज आ रहे हैं तो जो ग्रिप अच्छा हो ना एटलीस्ट वो शूज पहन के आए। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं फेज 3, ये ऐसा है एंड सेकंड फेज नीचे है, तो अभी जा रहे हैं अंदर की तरफ वापस से। ओपन है ना, हो चुका है तो इस बार ना अपना बंद रहे, ये जो क्लोज रहेगा ना ये लेंगे, इनको जाने दो बिकॉज इतनी जगह है नहीं, तो वी नीड टू वेट फॉर अनदर गंदोला राइड सो वी कैन गो। अभी इसमें 6 हो गए पूरे प्रॉपर, ये लोग जा रहे हैं, अपना जो है वो आ रहा है, बट जो यहाँ की सर्दी है मैं नहीं बता सकता था, और -5 है इधर, -5 कैन यू इमेजिन। तो गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं अभी थर्ड फेज पर, ऊपर आ चुके हैं और जो धूप देखने को मिली है फाइनली वो बहुत ज़्यादा मतलब पीसफुल है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत देर बाद देखने के लिए मिल रही है ना धूप। ये थर्ड फेज हम इससे आए हैं एंड ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, तो जो लास्ट 2 थे ना उनसे ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत ये एक मतलब व्यू है, बहुत अच्छा लग रहा है मतलब यहाँ पे। और फाइनली मतलब धूप के बाद तो है ना ऐसा लग रहा है कि हाँ जैसे कोई मिल गया हमें जादू था ना, कि हाँ जादू कोई मिल गया वाला, अभी वो वाली फीलिंग आ रही है एकदम। तो गाइस अभी चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं यहाँ पे क्या सेल्फी पॉइंट वगैरह और वो सारी चीज़ें हैं, तो एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को अच्छे से। और बाकी यहाँ पे थोड़ा रपटन ज़्यादा है मतलब फिसलन ज़्यादा है, और क्या ही तो यार अमेजिंग जगह है। तो भाई अभी तो मज़ा आ रहा है फुल एंड यस यूट्यूब मिस्टर फ्रॉम इंडिया यूट्यूब इंडिया सलेम इज दिस फोटो लेट मी चेक। तो एक है ना सेल्फी पॉइंट मतलब शूटिंग पॉइंट बना हुआ है, तो जस्ट अभी यहाँ पे जाएंगे एंड ये सब है ना लोग फोटो वगैरह करा रहे हैं। आई थिंक हमको इससे शायद ऊपर जाने का तो कुछ है नहीं, ये लास्ट पॉइंट था, और धूप ले रहे हैं थोड़ा सा, अच्छा लग रहा है काफ़ी एंड ये भैया स्केटिंग कर रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या खूबसूरत जगह है यार ये, यहाँ पे एक फ्रेम है जो कि आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कजाकिस्तान सिम्बोल तालगार पास। ये है आपका 3200 मीटर अराउंड, मैं ये कैलकुलेट करके डाल दूंगा कि हाँ कितना 3200 मीटर, इतनी ऊंचाई पे अभी हम इस वक्त खड़े हैं, इस वक्त आ चुके हैं। तो गाइज यहाँ पे जो है मतलब ड्रोन शॉट भी होते हैं, लाइक मतलब ड्रोन से शूट भी होता है, तो अगर आपको मतलब यहाँ आके ड्रोन शॉट लेना है या ड्रोन शॉट कराना है तो आप करा सकते हैं, इट्स जस्ट अप टू यू, एक्सक्यूज़ मी। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपका मन है मतलब ये चीज़ें एक यादगार पल में आती हैं, तो इफ़ यू वांट दैट देन यू कैन कम हेयर एंड भी हम मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी करा लेता हूँ, बिकॉज जब इतने दूर आए हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 5,000 देंगे इट्स फाइन फॉर अस।
क्योंकि कुछ अलग मिल रहा है देखने के लिए, तो ठीक है कर लेते हैं भाई। अगर यहाँ आ रहे हैं यार, अपने पास फ्लैग नहीं है। एक्चुअली मैं सोच रहा था ड्रोन शॉट कराने का, और इंडियन फ्लैग होता तो ज़्यादा अच्छा होता, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि आप कजाकिस्तान में आके और फिर इंडिया फ्लैग के साथ ऐसी सारी चीज़ें करो तो वो अलग लेवल का हो जाता है। तो अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, थोड़ी देर में लेते हैं ड्रोन शॉट वगैरह। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऊपर साइड, मतलब वहाँ से अभी हम आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्किंग करने के लिए सांस चढ़ गया यार बहुत ज़्यादा। स्किंग करने के लिए आपको इक्विपमेंट सेकेंड फेज से लेके आना होगा, तो अगर आप आ रहे हैं तो ध्यान रहे कि इक्विपमेंट लेके ज़रूर आए, और पानी की बोतल, क्योंकि सांस चढ़ गया बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ पे एक मतलब फ़ोटो वगैरह करा रहे हैं हमारे दोस्त, और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। धूप है, ये अच्छा है, क्योंकि अगर धूप नहीं होती भाई हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी ऑलरेडी। अभी धूप से ये है कि हाँ थोड़ी जान में जान आ गई। एंड मस्ट विजिट पैलेस है, अगर आप अल्माटी कजाकिस्तान आ रहे हैं बिल्कुल आपको आना चाहिए। गाइज़ अभी जा रहे हैं हम वापस, और नीचे चलते हैं अभी, मतलब थोड़ा भूख लगी है बहुत ज़्यादा। नाश्ते में कुछ बहुत अलग खाया था, एंड अभी जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि नाश्ता इतना अच्छे से नहीं किया। तो अभी लेके चलते हैं नीचे, आई थिंक सेकंड फेज पर कुछ खाने के लिए मिलेगा या फिर फर्स्ट फेज पर। तो पहले करते हैं पेट पूजा, फिर थोड़ा सा फिर आपको और बताएंगे। तो यहाँ पे थर्ड उस पर गाइज आपको थर्ड फेज पर ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, एंड देन आपको अगर इसकी करना चाहते तो आगे से आपको यहाँ से नीचे जाओ, इन केबल थ्रू, केबल कार के थ्रू आप ऊपर आ सकते हो। तो यही सब कुछ यहाँ पे है, तो अभी चलते हैं नीचे। क्योंकि दोस्तों अभी निकल रहे हैं यहाँ से, ये थर्ड फेज है अपना। भूख से हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। क्या मेरा वीडियो भाई, और ड्रोन शॉट कैसा लगा प्लीज व्लॉग में मुझे ये जरूर बताएं। जी सर, एंड डू शेयर सब्सक्राइब। ओह थैंक यू सो मच, प्लीज प्लीज गाइज प्लीज डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो गाइज अभी निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं नीचे। तो गाइज बस अभी आज का इतना ही था, ये आपका हो गया सिम्बुलक, एंड इसकी रिजॉर्ट के नाम से फेमस है। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप अल्माटी आ रहे हैं तो फॉर श्योर आप ये मिस ना करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। एंड मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।